दम अछि तैं असर अछि। नमस्कार, नवसोच बुलेटिन में अपने के स्वागत अछि। हम प्रीति झा, शुरू करी प्रमुख समाचार सबक शीर्षक सँ। मधेश में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ रहल, उद्योग मैत्री वातावरण समृद्धि के आधार रहल मुख्यमंत्री राउत के कहब। सप्तकोशी के बांध टूटल, 4000 घर परिवार उच्च जोखिम में। एक सप्ताह से हो प्रहरी समायोजन नहीं भेल तो संघर्ष करवाक मधेश प्रदेश के गृह मंत्री के चेतावनी। पेलोसी द्वारा ताइवान के संसद में संबोधन, अमेरिका के अत्यंत खराब परिस्थिति के सामना कर पड़वाक चीन के चेतावनी। आप बांग्लादेश संघक T20 श्रृंखला जिम्बाब्वे के हित में। अब समाचार विस्तार से। पछिला किछु दिन से मधेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त जा रहल है। संक्रमित के संख्या बढ़त गेलाक बाद मधेश प्रदेश सरकार कोरोना महामारी नियंत्रण तथा व्यवस्थापन में सक्रियता बढ़ौलक अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय के अनुसार पछिला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल है। एक संग मधेश प्रदेश में सक्रिय कोरोना के संख्या 64 पहुँचल, स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक है। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के मद्देनजर करैत अपने मातहत रहल अस्पताल सबके कोरोना संक्रमित सबके स्वास्थ्य उपचारक व्यवस्थापन सुदृढ़करण निर्देशन दलक अछि। तहिना का कोरोना से बेसी प्रभावित संक्रमित के स्वास्थ्य उपचारक लेल मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में व्यवस्थापन कयल गेल छैक। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लंबा समय से जनकपुर धाम के मुजलिया स्थित कोविड विशेष अस्पताल संचालन करैत आयल अछि। उक्त कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर सहित के सुविधा उपलब्ध रहल छैक। तहिना स्वास्थ्य निर्देशनालय के प्रदेशक 8 जिला स्वास्थ्य कार्यालय सबके कोरोना विरुद्ध के खोप कार्यक्रम के तीव्रता देव से हो निर्देशन दिलक अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत उद्योग मैत्री वातावरण प्रदेश की समृद्धि के मूल आधार रहल बतौलन। मध्य प्रदेश सरकार बाड़ा के सिमरा में आयोजना के औद्योगिक सम्मेलन के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत उद्योग मैत्री वातावरण बिना प्रदेश अथवा देश की समृद्धि के परिकल्पना सेहो कयल नहीं जा सकबाक बतौलन। प्रदेश सरकार उद्योग सब के लिए विशेष पैकेज के कार्यक्रम सब लला के बाद संघीय कानून के अभाव में कार्यान्वयन करे में समस्या भ रहल कहत मुख्यमंत्री राउत जगह के स्वामित्व हस्तांतरण सहित प्रक्रिया अविलंब शुरू कर संघीय सरकार संग मांग से हो कल। सबसे बेसी मानव जनशक्ति विदेश जाय वाला प्रदेश के रूप में रहल मध्य प्रदेश के युवा सब के उचित तालीम के व्यवस्था का कर स्वदेश में रोजगारी उपलब्ध कराव के प्रदेश सरकार की योजना में सहकारी कर मुख्यमंत्री राउत उद्योगी सब के सेहो आग्रह के निश्चित। उद्योग धंधा सब के स्थापना से लकर संचालन धर में उत्पन्न विभिन्न समस्या सब के समाधान कर प्रदेश सरकार एक द्वार प्रणाली मार्फत आगा बढ़ल। स्मरण करबैत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार काल मात्र बीरगंज में उद्योग विभाग स्थापना कर के निर्णय केने आ ओइसे पैघ सहयोग पहुँच के विश्वास समेत व्यक्त कलन। सम्मेलन में अर्थमंत्री शैलेन्द्र प्रसाद सह सम्मेलन से आवय वाला निष्कर्ष से प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश करबाक उल्लेख केने छथि। औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश सरकार अवलंबन केने नीति सबके विषय में जानकारी करबे तो प्रदेश के आर्थिक समृद्धि आ विकास के लिए निजी क्षेत्र के योगदान महत्वपूर्ण हेबाक उल्लेख कलन। सम्मेलन में उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो औद्योगिक सम्मेलन से प्रदेश में उद्योग स्थापना के वातावरण निर्माण केनाई संगे वर्तमान आवश्यकता आ कानूनी जटिलता जेहन समस्या सबके समाधान के बाट खोज लेल महत्वपूर्ण योगदान देवाक विश्वास व्यक्त केने छथि। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में नेपाल के लिए बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, नेपाल उद्योग परिसंघ के निवर्तमान अध्यक्ष सतीश मोर, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, मधेश प्रदेश संयोजक नरेश दास सहित अपन अपन मंतव्य रखने छलथि। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय यादव, खाने पानी तथा ऊर्जा मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित सचिव सब प्रदेश स्थित करीब 100 गोटे उद्योगी सबके सहभागिता रहल अछि। नेपाल उद्योग परिसंघ स्वदेशी सिप परियोजना आ UKAID के सहयोग में मधेश सरकार आयोजना के लिए औद्योगिक सम्मेलन में प्रदेश सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देवे वाला तेस्टा उद्योग सबके ऐसा पहिने ही पुरस्कृत सेहो केने छल जे हम सब काल्हिक समाचार में प्रस्तुत केने छलहुँ।
मूसलाधार वर्षा संगे आल बाढ़ से उदयपुर के बेलका नगर पालिका 8 लाउरे खोज डुमरी बोट में सप्तकोशी नदी के बांध टूटल है। आई भिनसर 4 बजे दिस सप्तकोशी नदी के बांध टूटल आ ओ पानी गांव में पैसल नदी टूट का गांव पैसल संगे बेलका नगर पालिका 2, 3, 8, 9 आ बराह क्षेत्र नगर पालिका 6 डुबान में पड़ल है। नदी के बांध टूट का गांव में पैसल के बाद की कतेक क्षति भेल एकर यकीन तथ्यांक एखन आब में बाकी रहल। प्रमुख जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव जानकारी दिलन सोम दिन साँझ में नगर पालिका बस्ती छोड़ लेल माइकिंग केला से मानवीय क्षति नहीं हेबाक आशा है। अपने घटनास्थल जा रहा जानकारी दिलन नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थानीय वासी उद्धार के काज कर रहा प्रजय यादव जानकारी देने सहित सप्तकोशी नदी फूटल स्थान में प्रमुख जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव सुरक्षा निकाय के प्रमुख स्थलगत अवलोकन कर लागल। बेलका नगर पालिका के नगर प्रमुख अशोक कार्की बतौलन अपने सबके जनतब हैत जे प्रत्येक वर्ष होब वाला इ पानिक समय में सप्तकोशी नदी के बांध टूटला के कारण से कतेको घर परिवार विस्थापित होब के अवस्था में पहुँचत तो बहुत रास क्षति से होत मुदा इ क्षति के लक सरकार गंभीर नहीं होत तैं लक प्रत्येक वर्ष जहन इ प्रकारक समय सब अबैय तो सरकार के घस घसेबाक लेल स्थानीय सबके उग्र रूप लेब पड़े छैक। मध्य सरकार प्रहरी समायोजन कर केंद्र सरकार के एक सप्ताह के समय देवाक आ ओ अवधि में सेहो समायोजन नहीं भेल तो संघर्ष में उतरबाक चेतावनी दिलक है। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत शाह पत्रकार सम्मेलन कर साउन 22 गते प्रदेश प्रमुख के मार्फत केंद्र सरकार के ज्ञापन पत्र पठा कर प्रहरी समायोजन के लिए एक सप्ताह के अल्टीमेटम देवाक बतौलन। प्रदेश के सब राजनीतिक दल प्रदेश सभा सांसद सरकारक प्रतिनिधि सेहो प्रदेश प्रमुख मार्फत नेपाल सरकार के ज्ञापन पत्र पठाब के बतबे तो कहलन ज्ञापन मार्फत हम सब 7 दिनक समय देव के बाद सेहो चाख नहीं दिल गेल तो चरणबद्ध संघर्ष के कार्यक्रम हम सब आगा बढ़ाब। सातु प्रदेश के गृह मंत्री सामूहिक रूप में आग्रह केला के बादो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहुँच कर अलग आग्रह केला के बादो सरकार ओ दिस ध्यान नहीं देने शाह बतौलन। केंद्र सरकार प्रदेश के अधिकार छीन रहा अपव्याख्या करवाक आ पछला समय में आश्वासन मात्र देवाक काज के नहीं बतौलन। जानकारी कराब साहब जहिया प्रदेश सरकार बनल छे तहिए से ही प्रदेश प्रहरी एन लागू हेबाक बात सब चल रहा है मुदा एखन धरि संघीय सरकार के कमजोरी कहियो या प्रदेशो सरकार के एकटा जे अंठियाव के प्रवृत्ति कहियो ओ के कारण से प्रदेश प्रहरी एन एखन धरि लागू नहीं होब सकल है मुदा गृह मंत्री की चेतावनी के बाद संघीय सरकार या प्रदेश सरकार कतेक एक्शन में अबैय आब वाला समय में हम अहाँ देख सकै छी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार अमेरिका के निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभामुख नियांसी पेलिसी ताइवान विश्व के स्वतंत्र समाज में पड़ के बतौलिए। ताइवान के संसद के आय भोर संबोधन करते हो अमेरिका ताइवान बीच के संसदीय आदान प्रदान कर के लिए अपने इच्छुक रहा बतौलन। पेलोसी आगामी दिन में अमेरिका ताइवान संग विज्ञान प्रविधि तथा अनुसंधानक क्षेत्र में पैघ लगानी के लिए सहकारी करवाक बतौने बीबीसी जनौलक। तहिना ओ ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन संग भेंट वार्ता केने राष्ट्रपति भवन में भेल भेंट में ओ ताइवान संग अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण रहल बतौने बताओल गेल। दू देश बीचक सुमधुर संबंध के लक गर्व लाग के कहत ओ आगामी दिन में संबंध और प्रगाढ़ बनबाक दावी कलन। ताइवान के अपन अभिन्न अंग दावी करते आयल चीन के चेतावनी के बावजूद सभामुख पेलोसी ताइवान पहुँचल यह बीच विरोध के बावजूद उच्च अमेरिकी अधिकारी ताइवान पहुँचला बाद चीन अमेरिका के गंभीर मूल्य चुकाब पड़वाक चेतावनी दिलक। अमेरिका अत्यंत खराब परिस्थिति के सामना कर पड़वाक चीन चेतावनी दिलक। यह बीच चीन थप ताइवानी उत्पादन के प्रतिबंध लगल पेलोसी के भ्रमण के बाद चीन ताइवानी सामान आ उत्पादन समय प्रतिबंध लगौने। आब खेल प्रसंग
घरेलू टोली जिम्बाब्वे बांग्लादेश संग के तीनटा खेल के टी20 श्रृंखला जीतलक है। हरारे में भेल तेसर तथा अंतिम खेल में 10 रन से विजय होते जिम्बाब्वे श्रृंखला 2-1 से जीतने है। तेसर खेल में घरेलू टोली देने 157 रनक लक्ष्य पछुओने बांग्लादेश 20 ओवर में 8 विकेट गुमा कर 146 रन मात्र बना सकल। जिम्बाब्वे के विक्टर न्यूची 3 विकेट लेलन। ब्रांडी वांस दू तथा लुका जोनगवे बिसेली माधिविरी सेन विलियम्स समान एक एक विकेट लेलन। ऐसे पहिने जिम्बाब्वे 20 ओवर में 8 विकेट गुमा कर 156 रन बनौने छल। वही के रायन वर्ल्ड 54 रनक अर्धशतकीय पारी खेलने छलथि। बांग्लादेश के मेहिदी हसन आ हसन महमूद समान दू दू विकेट लेलन। कप्तान मुसाडिक हुसैन मुस्ताफिजुर रहमान नासु मोहम्मद आ महमदुल्लाह समान एक एक विकेट लेलन। पहल टी ट्वेंटी में जिम्बाब्वे 17 रन से विजय भेल छल त दोसर खेल बांग्लादेश 7 विकेट से जीतने छल। ई दुनू देश बीच ओहि खेल के एक दिवसीय श्रृंखला शुक्र दिन से शुरू होब जा रहल है। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फिर से। मधेश में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ रहल। उद्योग मैत्री वातावरण समृद्धि के आधार रहल मुख्यमंत्री राउत के कहब। सप्तकोशी के बांध टूटल 4000 घर परिवार उच्च जोखिम में। एक सप्ताह से हो प्रारी समायोजन नहीं भेल तो संघर्ष करवाक मधेश प्रदेश के गृह मंत्री के चेतावनी। पेलोसी द्वारा ताइवान के संसद में संबोधन। अमेरिका के अत्यंत खराब परिस्थिति के सामना कर पड़वाक चीन के चेतावनी। आ बांग्लादेश संघक टी20 श्रृंखला जिम्बाब्वे के हित में। बेस तो एखनुक नवसोच बुलेटिन एठम सम्पन्न होइत अछि। हम प्रीति झा के जेबाक आज्ञा दिअ। ताजा अपडेट नया समाचार के लेल जुड़ल रहब नवसोच.com के संग। परिवर्तन के लेल मात्र एक कदम। हम प्रीति झा के जेबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार।